Nothotex. Nothkar, Nothotex. कौन सा करे न्योत न्योता, आज भी गांव में न्योते शादी में न्योते डाल के आते, न्यूतु है न्योता डाल के, है ना। इधर जैसलमेर बाड़मेर साइड में आप इसी को बोल देते हो नेत्रा, नेत्रा देके, है ना। कुल मिला के वो शादी के टाइम जो हम पैसे जमा करवाते हैं उनके घर पे, उसको न्योता बोलते हैं। राजकुमार युवराज की तो पहली शादी में था कि वो देना पड़ेगा आपको, वो क्या था नजराना, पर राजकुमारियों में था भाई जितनी भी राजकुमारियां हैं उनकी शादी में सामंतों को टैक्स देना पड़ेगा, उनको क्या बोलते न्योता। अब इसके दो रीजन बहुत, एक तो पहली बात राजकुमारियां कम ही होती, ज्यादा होती नहीं थी, फिर यदि ज्यादा भी है तो ये धन अच्छा माना जाता। आज भी कन्यादान के लिए मना कौन करता है ना, आज भी सब कन्यादान तो दे के आते हैं, बस सिंपल सा था। तो राजकुमार वाले में था कि नहीं भाई साहब, जो तेरा सबसे बड़ा बेटा है उसकी भी जो पहली शादी है उस पर हम देंगे, बाकी में हमारी मर्जी आएगी तो देंगे, मर्जी आएगी तो देंगे। इसमें था कि नहीं, राजकुमारियों की शादी के टाइम में सामंत टैक्स जमा करवाएंगे, उस टैक्स को क्या बोलते लिख लो राजकुमारियों के विवाह के दौरान। और मेरी जो प्रिंसेस, राजकुमारियों के विवाह के दौरान, और मेरी जो प्रिंसेस, राजकुमारियों के विवाह के दौरान, और मेरी जो प्रिंसेस, राजा द्वारा सामंतों को, सामंतों द्वारा राजा को यह कर दिया जाता था। फ्यूडल लॉर्ड्स गेव दिस टैक्स टू किंग, सामंतों द्वारा राजा को यह कर दिया जाता था। फ्यूडल लॉर्ड्स गेव दिस टैक्स टू किंग। और ये देखो, ये व्यवस्था कमोबेश अब भी अपने गांव के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। मैं तो गांव में लड़के की शादी होती है ना, ये तो गांव में क्या भाइयों भाइयों में आपस में बनती नहीं, आपस में लठ मारे हुए रहते ही हैं एक दूसरे। तो लड़के की शादी होती है तो एक आधे चाचा जी एक आधे ताऊ जी पक्के नाराज है ना, और वो अपनी शादी में आ नहीं, और अपने भी उतने नाराज है, अपने के नहीं आ रहे नहीं आ रहे, इनके बिना कौन सा बेटा ब्याह नहीं जाएगा, बताओ हमारा क्या लेना। अब शादी से दो तीन दिन पहले आने लग जाते हैं रिश्तेदार, रिश्तेदारों का एक ही काम होता है लड़ाई को भड़काना, उनका मुख्य काम वही होता है कि कैसे न कैसे करके इसमें बुझ रही हो तो उसमें, है ना। अब वो कोई फूफाजी जीजाजी टाइप के जो बंदे होते हैं वो उन चाचा जी के घर पे जाएंगे, और उनका कंसर्न भी होता है कि भाई हमारे सब बराबर है, हम तो सबके जाएंगे, भले आपकी शादी में आए पर उनके भी जाएंगे, जाओ वहां बैठ के उनको कहते हैं कि आप नहीं आ रहे शादी में। तो अगला वापस कहता है कि वैसा इनमें लखन ही नहीं है ना, हमारे तो वो बंटवारा हुआ था तब इन्होंने मेरे को कम दिया था, ये दिया था, उसके बाद वो बात भी उसमें भी इन्होंने मेरे को ये कह दिया और मैं नहीं जा रहा, हमारी बनती नहीं है, क्यों जाए। अरे ऐसे थोड़ी होता है, भाइयों भाइयों को ब्याह में जाना ही थी, और हम बात करते हैं और वो कहे भाई हम चला के क्यों जाए, इन्होंने एक बार ही नहीं बुलाया हमें, ऐसे कोई थोड़ी है, हम कोई मंगते थोड़ी है जाके खड़े हो जाए वहां पे। अब वो फूफा जी जीजाजी टाइप के अपनी तरफ आते हैं और अपनी तरफ आ कहते हैं भाई फलाना जी को भी बुलाना चाहिए, सारे भाई बंधु यदि बैठ के ब्याह शादी नहीं करेंगे फिर क्या मतलब हुआ ब्याह शादी का। ऐसे तो अपने कहते भाई लिचड आदमी है, दहाब के क्यों बुलाना है इसको, डेली लड़ाइयां करता घूमता रहता है। नहीं नहीं साहब, हम तो खुद ही तभी आएंगे तुम्हारे जब ये भी आएंगे। इस प्रकार का भाई, बहन बेटी के तो सब बराबर होते हैं ना, हमारे तो आप ही ऐसे ही और आप ही ऐसे ही, और आप यदि छोटे हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, आप थोड़ा बड़ा दिल रख लो, आप चल लो। और फाइनली लड़कों की शादी में जाना ही पड़ता है, बाकी दम चाचा जी को मनाने के लिए, वो फूफा जी जीजाजी मामा जी टाइप के लोग साथ में जाते हैं, इधर से अपने जाते हैं चाचा जी को बिठाते हैं, और वो बाद वैसे कहते हैं वाह छोड़ो जो हुआ वो हुआ, अब समझौता करो अब अपने चलो। चाचा जी मान भी जाते हैं बातें, चाचा जी दो चार नीचे गर्दन करके दो चार बातें बोलते हैं कि भाई ये नहीं किया था ये नहीं किया था ये नहीं किया। वो अगला बंदा कहता है वाह वाह जीव बड़ो राखनो, नहीं करना, अब जो हुआ हुआ, आगे से ऐसा नहीं होगा, हम कहते हैं वो 5 बीघा जमीन आपको दिलवा देंगे, ऐसा जो भी होता वो करते हैं। पर चाची वो दरवाजे के पीछे खड़े होके बातें बोलते, थाली दो कम दी मन, बंटवारा किया था तो थालियां क्या मिली थी, और इनकी बकरियां हमारी तरफ आ जाती है, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ, है ना, हमारे इधर ये हो जाता है हमारी हो जाता है, इनकी नाली का पानी हमारी तरफ आ जाता है। वो पीछे गेट के पीछे पीछे, सामने नहीं आ रही गेट के पीछे, उधर उधर से तो उधर चाची जी होते हैं वो गेट के पीछे खड़े होके जोर जोर से बोलते हैं ऐसे, है ना,
यूं कहा ही जाता है कि गांव की महिलाएं धीमे धीमे बोलती है, बाकी वो बोलती है। वो दिलीप सर का एक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसमें दिलीप सर कहते भी है कि गांव की जो महिलाएं होती है वो जोर जोर से बोलती है, और जोर जोर से बोलती है तो आस पास पड़ोस की महिला जो दूसरी महिला थी वो कहती है बीनी धीमे बोलो, बारे मनक सुने, और वो कहती है अब तो मैं बोलूंगी, मैं सुनाने के लिए बोल रही हूं, मैं पूरे गांव को सुना दूंगी। भाई सर का वीडियो है जो है गांव की महिला में शहर की महिलाओं में फर्क है, ये तो शहर की लड़कियां जो होती है वो धीमे धीमे बोलती है, गांव वाली तेज बोलती है। एक शहर की लड़कियां तुम बहुत कम खाना खाती हो, दो लड़कियां मिलके दो रोटियां मंगवाती हो, उनमें भी तुम्हारी आधी बच जाती है। गांव वाले इधर दीवार की तरफ मुंह करके ऐसा जो जैसी भी चलाती है इसलिए इधर मुंह करके नहीं बैठती हूँ, पूड़ देके बैठती हूँ, देखी नहीं कितनी खाई कितनी नहीं खाई आपने, है ना। तो शहर वाले लड़कियों तुम गांव वालों से थोड़ी शिक्षा लो, है नहीं तुम गांव वाली भी यहाँ शहर में आगे शहर जैसी हो जाती हो, तो कुरकुरे खा के टाइम पास करती हो यहाँ पे। तो लड़के वाली शादी में प्रॉब्लम आती है कि लड़के वाली शादी में उनको मना के जाके लाना पड़ता है। ये आप ठीक देखिए, बहन की शादी में, लड़की की शादी के अंदर कोई मनाने के लिए नहीं जाता, और हम ऐसा कहते हैं कि भाई भाइया सबकी सांझी है, बहने सबकी सांझ, आए तो आए नहीं आए तो नहीं, हम तो आज बुलाने जाए कल बुलाने जाए। और वो चाचा जी उसमें भी नहीं आते है ना, उसमें भी नखरे दिखाते हैं कोई मनाने के लिए, कोई आपने आके तो मना के लो किस बात का, भाई का ब्याह है कोई, हमारे को लड़के का ब्याह थोड़ी है, जिनको मनाना पड़ेगा, आए तो आए नहीं आए तो नहीं। वो नहीं आते लेकिन शादी से ठीक पहले वो बिना मनाए चुपचाप आ जाते, इतने दिन तक बाकी काम चल रहे होंगे उनके अंदर, वो नहीं आते। अब इधर बारात आने वाली और आने वाली, तो चाचा जी फटाफट अपने साथ आग खड़े हो जाते हैं, चाची जी अंदर जाके काम लग जाती है, चाचा जी अपने साथ आगे पंचायती करते हैं, ये टेंट का पिलर यहाँ नहीं लगेगा यहाँ लगेगा, तो हम तीन दिन से यहाँ लगा रहे थे आप आगे नहीं बता सकते थे कहाँ लगाना, और अपने को लगता है कि जो भी हो चाचा जी गोडा पेट का नहीं मुड़े, घुटने जो होते हैं हमेशा पेट की तरफ मुड़ेंगे, उल्टे नहीं मोड़ सकते, आप अपने परिवार वालों की तरफ झुकेंगे, खून जोर मारता है, खून जो होता है वो जोर मारता है, आप भले कितने भी लड़े हुए हो आपको अपने वाला लगेगा उसके अंदर, तो आपको लगता है कोई बात नहीं, अपनी 100 लड़ाई होगी, जमीन का पंगा होगा अपना, तो पुलिस केस चल रहा होगा, लठ मारे होंगे थोड़े दिन पहले, गालियां निकाली होगी, पर अब अपने एक साथ खड़े, ये बहुत बड़ी बात। तो लड़कियों वाली शादी के अंदर ये होता है कि बस सब आ जाते हैं, आप और नोटिस करना, अब जाके थोड़ी व्यवस्था अपनी कमजोर पड़ी है। ये पहले दादाजी की उम्र के लोग किसी भी गांव से होके जा रहे हैं, रास्ते के अंदर कहीं टेंट देखा लगा हुआ, या शादी का सा माहौल देखा गया शादी है, वो पूछते भाई किसकी शादी है, तो लड़की की या लड़के की, पता चलता लड़की की शादी, वो कन्यादान जमा करवाते, कन्यादान तो उनका इतना ही था, 1 रुपए, 1.25 रुपए, 1.5 रुपए, 11 रुपए, ये बहुत बड़ी रकमें हुआ करती थी, फिर भी वो दे के जाते, वो नहीं पूछते कौन जात हो, कौन धर्म हो, किसका घर है, ना उनको ये संतोष था कि किसी कन्या के पैसे लगाने से हमें स्वर्ग मिल जाएगा, हमारा परलोक सुधर जाएगा। हमारे लोगों का परलोक में बड़ी रुचि थी, ये जन्म जैसा है वो बीत गया, वो हो गया, अगला जो परलोक है वो हमारा क्या होना चाहिए, अच्छा, वो कैसे मिलेगा, जब यहाँ अच्छे काम करें। अभी भी बोलते हैं ना, अरे भला काम कर सो तो आगे काम आसी, आगे काम परलोक, हम तो कई बार कहते हैं लोक तो नहीं सुधरा परलोक तो सुधारो, इस जन्म में तो जैसे तैसे दुख पा लिए लेकिन अगले तो कम से कम दुख पाए नहीं। तो लड़कियों की शादी में दिया करते, गांव में और भी नोटिस करना, कभी कई बार ऐसा होता है कि हम शादी में से पूरे गांव को बुलाया, आप खूब बार ऐसा देखेंगे कि कोई आपकी बहन की शादी में आपके घर पे आया, उसने काम करवाया, उसने न्योता भी दिया और वो खाना खा के नहीं गया। लड़की की शादी में यार खाना नहीं खाएंगे, है ना, तो उनको लगता है कि नहीं यार कन्या हम सबकी है, बहन बेटी हम सबकी है, तो इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, तो नहीं ठीक है हम इसलिए आए थे कि हमें काम करवाना ही था। ये आप अक्सर देखेंगे कि लड़की की शादी है, बारात आने वाली है, जिसके घर के अंदर 10 गायें हैं वो सुबह सुबह आपके घर पे लाके 10 किलो दूध रख के चला जाता है, 20 किलो दूध रख के चला जाता है। शहरों में क्या, चूंकि हम एक दूसरे को इतना जानते नहीं इसलिए लोग नहीं करते, गांव में चूंकि हम एक दूसरे को जानते हैं तो कई बार ऐसे परिवार से भी दूध आ जाता है जिनको आपने शादी का कार्ड भी नहीं दिया था, और फिर भी उनको लगता है कि यार कोई बात नहीं, अपना एक्स्ट्रा होता है ना, अब एक दिन नहीं पहुंचाएंगे डेयरी पे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक दिन 1000 रुपए और कमा लेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई का ब्याह यार काम आ जाएगा, इनके काम आ जाएगा, तो बहुत नॉर्मल सा हुआ करता था। सेम यहाँ पर कि लड़के वाली शादी है तो सामान्य कहता है एक ही बार दूंगा भाई रे, कोई तेरा पहला बेटा जो अगला राजा बनेगा उसकी भी पहली शादी पे दूंगा, राजकुमारियों की शादी तो उनमें सब में क्या दी जाते हैं, ये तो मैं और कभी मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कभी नोटिस करना, मेरे को सब जोरदार तो वो लगता है कि गांव के अंदर क्या अपने ज्यादातर शादियां वैसी होती है, जैसे मेरी जहां बुआ की शादी की हुई है उस गांव में फिर मेरी बहन की भी शादी कर दी है ना, भाई पहले क्या ये पंचायतियां महिलाएं किया करती थी, एक महिला की कहीं पर शादी हुई
फिर वो गांव में आके अपनी भतीजी को अपने जेठूदे को दिलवा देती, जेठ का बेटा है अपनी भतीजी ले गई। फिर वो पड़ोस के अंदर भी दूसरी जात के भी रहते हैं, पर उस जात के उनके ससुराल में भी रहते हैं, एक भाई उनकी ले गई। तो गांव में ऐसे है कि एक गांव की 20-20 भाइयां दूसरे गांव में, ज्यादातर वैसे मिलेंगे। तो कई बार होता है, अब मान लो मेरी बुआ की जहां शादी की हुई, उस गांव में हमारे गांव की 10 बच्चियों की शादी और की हुई, हो सकता है हमारे परिवार की, हो सकता है दूसरे परिवार की, हो सकता है और जाति की भी हो। अब हुआ कि भाई मेरे बुआ की सासू की डेथ हो गई, तो अपने सब कपड़े लेके जाएंगे। कपड़े लेके जाने का रिवाज होता है कि वो किस्तों में देने पड़ते हैं थोड़े थोड़े, है ना भाई। संपत्ति का अधिकार ये कहता है कि पिता की संपत्ति में सबको बराबर हक मिलना चाहिए, पर हम लड़कियों को कोई भी हक देते, भाई 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, तो 10 बीघा मैंने रखी, 10 बीघा मेरे भाई ने रखी, मेरी बहन को उसमें से कोई भी हक मिला नहीं। तो हम वास्तव में बहन को यह कहते हैं कि देख तेरे को हक तो हम दे देंगे, पर एक साथ नहीं दे पाएंगे तेरे को, एक तो हम दहेज चुका देंगे तो डाउन पेमेंट, उसके बाद तेरे को किस्तों में देंगे, तेरे टाबर होंगे तो देंगे, तेरे टाबरों के ब्याह होंगे तो देंगे, तेरी सासू मरेगी तो देंगे, तेरा ससुरा मरेगा तो देंगे, तुम्हारे कोई पैदा और कोई मरे हम ला के देंगे तुम्हें कुछ ना कुछ, तो धीरे धीरे किस्तों में। और लड़कियां भोली है, इस बात पर मान भी जाती है, जिस दिन हमने दहेज देने बंद किए उस दिन लड़कियां प्रॉपर्टी मांग लेगी। इसलिए लड़कों दहेज देना है खूब सारा, जितना दे सकते हो उतना देना है, 1 बीघा जमीन बेच के देनी पड़े तो भी देना है, क्योंकि आप यकीन मानिए यदि पापा के पास 30 बीघा जमीन है तो 15 तुम्हारे 15 उसके हिसाब से 10 बहन के जानी चाहिए थी, लेकिन तुमने बहन को नहीं दी, तो 1 बीघा सल्टा भी दोगे तो भी 9 बीघा है, और यदि दहेज नहीं दिया 10 बीघा पूरा खा जाएगी तुम्हारा। इसलिए लड़कियां बोली है, इनको अभी तक ये बातें समझ में आई नहीं है, तो बुढ़ाए में रहे होता ही ठीक है, खूब सारा दहेज देना है इनको, है ना। हाँ क्या है, क्या बोलती हो, क्या बता, तुम एक साथ बोल जाती हो एक तो ऐसे, तो अभी भी होता है। तो अब उसमें है कि भाई मेरे बुआ के घर में किसी की डेथ हुई तो मेरी बुआ के सब घर वालों के हम कपड़े लेके जाते हैं, है ना भाई, उनके ससुर जी के, जेठ के, जिठानियों के, ननदों के, सबके कपड़े उपड़े लेके जाने पड़ते हैं। पर वे तमाम बहनें जो हमारे गांव की है, जिनका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, पर उस गांव में उनके भी लेके जाते हैं। अभी आपके श्रद्धानुसार है, यदि आप पैसे वाले हो थोड़े तो उनके लिए एक एक पूरा सूट ले जाते हो, नहीं हो तो एक एक चुनरी जरूर लेके जाते हो, कि भाई का सिर तो ढक के आए उसके अंदर। कई बार ये तो मेरा देखा हुआ है कि भाई कई बार होता है कि वहां कपड़े वगैरह देते हैं तो यूं गिना के देते हैं, बाका देखे इतना और उसमें गांव में मुझे तो खूब आते हैं कई बातों में। फिर अगर दादाजी टाइप के लोग इधर आ रहे, कितने लाए थे, जैसे ब्याह शादी में जाते हैं कितने सूट लाए थे अपने, तो अपने 51 लाए थे, 31 लाए थे, 21 लाए थे, पड़े का है कि वहां पड़े, तो क्या यूं रखते हैं। फिर महिलाएं आके देखती है भाई तुम्हारे पीहर से क्या आया, तो अपने वाला कोई कहता है तू वहीं खड़े रहना, क्यों कि ननदे बदमाश है उठा के ले जाएगी, अपने वाली बाई तो भोली है ये बाकी वाली उठा सकती है, तो एक आदमी खड़ा हो रहता है ना ये रख दो देखना ये खाली उठा के लेके जाना। तो फिर उसमें है कि भाई सबको तुम तो मेरे देखा भाई, कई बार उनको दिए देने के बाद कहा घर वालों का भाई ये इसका, ये इसका, 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 ये 10 सूट बच गए, ये किसके, तो ये हमारे गांव में फलान जी की भाई, फलान जी की भाई, फलान जी की भाई, फलान जी भाई, उनको पहुंचाना। कई बार ये होता है कि जो अपने फूफा जी वाला घर है उनके भी उन घरों से कोई लेना देना नहीं है, पर अपने जानते हैं कि वहां वहां है, तो वो कहते हैं कि भाई हम तो आपके साथ हमारा एक बच्चा भेज देते हैं आप देख के आ जाओ, बाकी तो देख के आते हैं के। और कई बार ये भी होता है जैसे हमारा गांव, मेरा गांव बहुत बड़ा गांव, कि मतलब इतने घर हैं कि एक दूसरे को लोग आपस के अंदर नहीं जानते हो, तो कोई बच्चे की कहीं शादी करती वो तो कैसे जानेगी मेरे को कि भाई मैं कौन, मुझे बताना पड़ता मैं फलान जी की, फलान जी की, फलान जी को, तो किसी एक आधे घर में पहचानती है। फिर भी जब आप उसको जाके ये कहते हो कि मैं तुम्हारे गांव का हूं, मैं तुम्हारा भाई लगता हूं, तुम्हारा चाचा लगता हूं, या तुम्हारे पीढ़ी में ये लगता हूं, या तुम्हारे पड़ोस का हूं, या अपना खेत वहां पर है, वो लड़की खुश ही होती है, उसे यही लगता है कि नहीं मेरे पीहर से आए हैं, पीर की चिड़कली चौकी लगे, पीर से अच्छा कौन लगे, तो देख के आते हैं। ये परंपराएं इसीलिए थी ताकि ये भाईचारा बना रहे। इसलिए मैं हमेशा क्लास में कहता रहता हूं कि मेरे कभी नहीं समझ में आया कि आजकल लोगों को अपने गांव में प्यार कैसे हो जाता है। मतलब धूड़ खावनी 10 किलोमीटर दूर जान खाओ भाई, ये कैसे हो सकता है भाई। फिर आप कहते हो कि नहीं सर प्यार की कोई नजर नहीं होती, प्यार तो किसी से भी हो सकता है, फिर अगला स्टेप तो खुद की बहन ही है, यदि किसी से भी हो सकता है तो अगला स्टेप तो उधर ही है ना, फिर तो फिर कैसे रोक पाओगे इन चीजों को आप, वरना पहले यह होगा नहीं, अपना गांव है, इस गांव में किसी भी जाति के कौन है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, वो बहन है, उस गांव की सारी बहन है। अब वो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि गांव केवल कविताओं में अच्छे हैं, बाकी उनमें तमाम बुराइयां हैं जो शहरों के अंदर आ चुकी है।
उल्टा शहरों के अंदर फिर भी इस मामले में 19-20 योगा कम है, उधर ज्यादा हो चुकी है चीजें, कि वो पूरी तरीके से वहां पर ये भ्रष्टाचार इतना फैला है, वो भले आप किसी भी रूप में जाओ पर वो चीजें। तो मैं जब भी, मैं बहुत कम गांव गया, पर मैं जब भी गया वहां इस प्रकार की बातों, मतलब यार ये कैसे कर सकते तुम। बाकी सब कुछ सही है, जब अपने बढ़ के इन चीजों को, दूसरी चीजों को फॉलो करते थे, तुम इस पर ही आ गए, फिर तो यार अगला कदम बहुत गलत होने वाला है। इसलिए पहले, कई साल पहले तक ये था कि लड़कियों को जैसे पढ़ाते नहीं थे, कि 8वीं के बाद लड़की की पढ़ाई छुड़वा दी, 10वीं के बाद लड़की पढ़ाई छुड़वा, क्यों छुड़वा दी, कि गांव में स्कूल था इतना ही, अब शहर में हम भेजेंगे नहीं भाई। और उनके 100 रीजन थे उनके, कि भाई शहर में नहीं भेजने, उनके 100 इस प्रकार के गलत काम सुने हुए थे, गलत बातें सुनी हुई थी, उनका जीव नहीं धापता था। कौन नहीं चाहता कि अपनी बच्चियों को नहीं पढ़ाए, कौन नहीं चाहता कि उनकी बच्चियां तरक्की ना करें, पर उनके दिमाग में कुछ स्टीरियोटाइप टैबू थे, वो नहीं भेज पाते थे। धीरे धीरे हम खुले, तो सब तुम यहां पर बैठी भी हो सारी, तो हम धीरे धीरे भेजने भी लगे। तब भी ना घर वालों को होता था कि नहीं बच्ची पढ़ तो ले, कैसे पढ़ाए फिर, तो कहते प्राइवेट फॉर्म भरवा दो। मुझे याद है कई साल तक गांव में रिवाज था कि 8वीं के बाद में लड़कियां प्राइवेट फॉर्म भरती, कि अब 10वीं में पेपर देने स्कूल जाएगी, 12वीं पेपर देने स्कूल जाएगी, बीए पेपर देने स्कूल जाएगी, इसलिए गांव में ऐसी बच्चियां मिल जाएगी जो 8वीं के बाद एमए तक प्राइवेट कर गई, स्कूल गई, घर पे बैठ के 1 वीक सीरीज से पढ़ लेती, अपने पेपर वगैरह देके आ जाती हो। अब वो पेपर देने तो शहर जाना पड़ेगा, किसके साथ भेजोगे, तो अपने पड़ोस में किसी भी जाति का कोई लड़का है, वो पेपर देने जा रहा था, अपने कहते भाई को तू साथ ले जाना, और वो लेके चला जाया करता। हमें लगता है इसकी भी बहन है, कोई दिक्कत नहीं, आजकल नहीं भेजते, बंद कर दिया हमने। आजकल यहां तक हम कर चुके हैं इस बात पर कि मेरा कोई दोस्त है तो मेरे घर वाले स्ट्रिक्टली बैन करते हैं कि घर के अंदर नहीं आना चाहिए, घर के बाहर रखे जाए। और गांव में तो अपने वो हो रहा है कि बैठक है, वहां घर अपना शुरू हो रहा है, तो गेस्ट रूम जो भी अपना छोटा मोटा कोई गेस्ट रूम वो बाहर की तरफ है, फिर खूब सारा आंगन पड़ा रहता है, फिर अपना मुख्य घर शुरू होता है, तो वहीं तक रहे, अंदर नहीं, अंडर बैन। क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाए हमने, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये यहाँ कोलैप्स कर रहे हैं, हम डिक्लाइन कर रहे हैं इन चीजों को, इसलिए ये नहीं आना चाहिए। वहीं तक दोस्त तेरा है, परिवार का नहीं है। पहले ये मानते थे तेरा दोस्त है तो बाकियों का भी भाई है, अब हमने कहा कि नहीं बस ये तेरा ही दोस्त है, इसके अलावा इसकी नजरें बेहद बुरी है, इसलिए ये घर के अंदर तो प्रविष्ट होना ये गलत है भाई। इस प्रकार आप भी किसी को पास पड़ोस में देखो साइड में ले जाकर उसका ना, ये दूर खानी है 10 किलोमीटर, कम से कम यहां वाला सिस्टम तो खराब है। चलो आगे लिखो, अगला लिखो।